हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। गुरुश्रेष्ठ, इस युग में एक ब्राह्मण के लिए संस्कार ही पर्याप्त नहीं होते। हाँ, संस्कारों से केवल धर्म का आचरण होता है, इसलिए ब्राह्मण को धर्म की रक्षा भी करनी चाहिए, अस्त्र शस्त्र से और शास्त्रों से। इसीलिए मैं केवल ब्राह्मण कुमार को ही ये विशेष विद्या देता हूँ। गुरुश्रेष्ठ, आपके दर्शनों के बाद मेरे मन में दबी अस्त्रों और शस्त्रों की विद्या सीखने की इच्छा अब और उभरने लगी है। आपकी छत्र छाया में कई ब्राह्मण कुमार अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान और विशेष रूप से धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। क्या ऐसा संभव है कि आप मुझे भी अपना शिष्य बना लें? हे ब्राह्मण कुमार, मैंने अपनी विद्या से 21 बार अवश्य धरती जीती है, परंतु तुम अपनी बातों से मन जीत लेते हो। सदा याद रखो, जिसने मन जीता उसी ने जग जीता, और जिसने किसी का दिल तोड़ा वो संसार को जीत कर भी हार जाएगा। मैंने आंख बंद करके तुम्हें अपना शिष्य बनाया था, आंख बंद करके। मुझसे अनजाने में ऐसी कौन सी भूल हो गई? तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा? हाँ धोखा। तुम ब्राह्मण नहीं हो, हो ही नहीं सकते। तुम अवश्य ही किसी उच्च क्षत्रिय परिवार से हो, किसी राजवंश से हो। कर्ण के वध के लिए तुम केवल एक माध्यम बन गए थे। असल में कर्ण का वध तुमने नहीं किया, भार्गव परशुराम जी के श्राप ने किया था। परशुराम जी का श्राप? हाँ पार्थ, इस रहस्य को तुम नहीं जानते। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को अस्त्र विद्या की शिक्षा देने से इनकार कर दिया, तो कर्ण अस्त्र विद्या प्राप्त करने महेंद्र पर्वत पर भार्गव परशुराम जी के पास चला गया। परंतु इसके लिए समस्या ये थी कि भार्गव परशुराम केवल ब्राह्मण कुमारों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ब्राह्मण कुमार का वेश बदल कर ही परशुराम जी की सेवा में उपस्थित हुआ। हे गुरुश्रेष्ठ, इस भृगुवंशी ब्राह्मण कुमार का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण मस्तु वत्स, तुम्हारा स्वागत है। कहो, मेरे आश्रम में कैसे आना हुआ? आपके दर्शनों की प्यास मुझे यहां तक खींच लाई है। जब से मैंने सुना है कि आपने 21 बार समझ धरती को जीता है, मन में यही एक इच्छा थी कि आपके चरणों की धूल माथे से लगाऊं। ब्राह्मण पुत्रों के संस्कार ऐसे ही होते हैं। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। गुरुश्रेष्ठ, इस युग में एक ब्राह्मण के लिए संस्कार ही पर्याप्त नहीं होते। हाँ, संस्कारों से केवल धर्म का आचरण होता है, इसलिए ब्राह्मण को धर्म की रक्षा भी करनी चाहिए, अस्त्र शस्त्र से और शास्त्रों से। इसीलिए मैं केवल ब्राह्मण कुमार को ही ये विशेष विद्या देता हूँ। गुरुश्रेष्ठ, आपके दर्शनों के बाद मेरे मन में दबी अस्त्रों और शस्त्रों की विद्या सीखने की इच्छा अब और उभरने लगी है। आपकी छत्र छाया में कई ब्राह्मण कुमार अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान और विशेष रूप से धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। क्या ऐसा संभव है कि आप मुझे भी अपना शिष्य बना लें? हे ब्राह्मण कुमार, मैंने अपनी विद्या से 21 बार अवश्य धरती जीती है, परंतु तुम अपनी बातों से मन जीत लेते हो। सदा याद रखो, जिसने मन जीता उसी ने जग जीता, और जिसने किसी का दिल तोड़ा वो संसार को जीत कर भी हार जाएगा। इस सीख के साथ मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। धन्यवाद गुरुदेव,
धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। केशव, अस्त्र शास्त्र विद्या के प्रलोभन में आकर कर्ण को ब्राह्मण कुमार का वेश बदलकर कितना बड़ा झूठ बोलना पड़ा था। नहीं पार्थ, कर्ण ने यह झूठ अस्त्र शास्त्र विद्या के प्रलोभन में आकर नहीं बोला था। तो फिर तुम्हारी दुश्मनी में उसने इस झूठ का सहारा लिया था। वो सदा ही तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी समझता था, इसलिए जब तुम द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर अस्त्र शस्त्र में संपन्न हुए तो कर्ण ने तुम्हारा सामना करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए भार्गव परशुराम जी से विद्या प्राप्त की। उसने गुरु की इतनी सेवा की कि परशुराम जी ने एक एक करके उसे समस्त दिव्य अस्त्रों की विद्या प्रदान की। ओम आग्नेयास्त्रेभ्यः नमः। इसे ग्रहण करो। ओम ब्रह्मास्त्रेभ्यः नमः। से बराबरी करने की ईर्ष्या में कर्ण छल से जमदग्नि नंदन परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र जैसा महान अस्त्र भी प्राप्त कर लिया था। पार्थ, कर्ण की गुरु के प्रति निष्ठा और विद्या ग्रहण करने की लगन को देखकर जमदग्नि नंदन परशुराम जी उससे बहुत प्रसन्न थे। एक दिन परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। उस समय एक भयानक कीड़ा जो शरीर से रक्त चूस लेता है कर्ण के पास आया। कीड़े के काटने से जो कर्ण को पीड़ा हो रही थी वो कोई साधारण प्राणी नहीं सह सकता था, परंतु यह सोचकर कि उसके हिलने मात्र से ही गुरु परशुराम जी के विश्राम में बाधा पड़ेगी, कर्ण सारी पीड़ा को चुपचाप सहता रहा। परंतु कीड़े के डंक मारने से कर्ण की जांग में जो घाव होने लगा था उससे बहने वाले गरम गरम खून के स्पर्श से परशुराम जी की नींद खुल गई। कैसे हुआ? कर्ण, कुछ नहीं गुरुश्रेष्ठ, रक्त पिपासु कीड़ा था, बार बार डंक मार रहा था, मैंने इसे मार दिया, इसी के कारण आपकी नींद टूट गई, इसका खेद है मुझे। खेद तो मुझे है कि मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया। ये क्या हुआ गुरुश्रेष्ठ? नीम के टूट जाने के कारण आप मुझ पर क्रोध कर रहे हैं? अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गई, मैंने आंख बंद करके तुम्हें अपना शिष्य बनाया था, आंख बंद करके। आप क्या कह रहे हैं गुरुश्रेष्ठ? मुझसे अनजाने में ऐसी कौन सी भूल हो गई? तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा? हाँ धोखा,
तुम ब्राह्मण नहीं हो, हो ही नहीं सकते। तुम अवश्य ही किसी उच्च क्षत्रिय परिवार से हो, किसी राजवंश से हो। ये अचानक आपको क्या हो गया है गुरुश्रेष्ठ? ये क्या हो गया है? आपने सोते में सपना देखा है, भला भला मेरा संबंध किसी राजवंश से कैसे हो सकता है? जो मनुष्य एक कीड़े को इतनी निर्दयता से मार सकता है, वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? नहीं। और जो मनुष्य विषैले कीड़े के डंक के प्रभाव से शरीर में लगी अगन को सह सकता है, वो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है। बताओ, किस राजवंश ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? ये सत्य नहीं है गुरुश्रेष्ठ, ये सत्य नहीं है। तुम मुझे झूठ कह रहे हो। ये झूठ नहीं है गुरुश्रेष्ठ, ये झूठ नहीं है। अभी बताता हूं सत्य क्या है। भी सत्य नहीं बताओगे? मुझे क्षमा कीजिए गुरुश्रेष्ठ, मुझे क्षमा कीजिए। मैं एक सूत पुत्र हूं। मेरी माता का नाम राधा है, इसलिए लोग मुझे राधा पुत्र कर्ण कहते हैं। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम ब्राह्मण हो। हे भृगुनंदन, हे ब्राह्मण, हे गुरुश्रेष्ठ, आपसे अस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण करने के लोभ में मैंने झूठ का सहारा लिया था, क्योंकि आप ब्राह्मण कुमारों के अतिरिक्त किसी को अस्त्र विद्या की शिक्षा देते ही नहीं है। मैं क्या करता, मैं विवश था, विवश। मुझे क्षमा कीजिए गुरुश्रेष्ठ, मुझे क्षमा कीजिए। मूर्ख, अस्त्र विद्या के लोभ में तुमने मुझसे छल किया है, मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस तरह तुमने यह विद्या धोखे से ग्रहण की है, उसी तरह ऐन वक्त पर यह विद्या तुम्हें धोखा दे जाएगी, तुम्हें कोई काम नहीं आएगी। अस्त्रों को प्रकट करने के मंत्र भी भूल जाओगे। नहीं, तुम जिस रथ के ऊपर खड़े होकर युद्ध करोगे, वो रथ भी तुम्हें अपने ऊपर टिकने नहीं देगा। हाँ, गुरुश्रेष्ठ। पार्थ, इसीलिए मैं कहता हूं कि कर्ण का वध तुमने नहीं किया, कर्ण को उसके गुरु के श्राप ने मारा है। पार्थ, इसी श्राप के कारण कर्ण की मृत्यु हुई है। सूर्य देवता के प्रदान किए हुए कवच कुंडलों की भांति ये दो श्राप कर्ण के जीवन का अटूट हिस्सा बन चुके थे, और इससे भी बड़ा सत्य यह है कि ये युद्ध कर्ण ने जानबूझकर हारा है। ये क्या कह रहे हो केशव? हां पार्थ, तुम नहीं जानते, कर्ण के सेनापति बनते ही मैं उसके शिविर में गया था। कर्ण के शिविर में? परंतु क्यों? उसे धर्म के मार्ग पर आने का निमंत्रण देने। मैंने उसे अधर्म का साथ छोड़कर पांडवों की ओर से लड़ने के लिए कहा था, परंतु उसने कहा कि भले ही दुर्योधन अधर्म के पथ पर हो, फिर भी दुर्योधन से मित्रता निभाना उसका प्रथम धर्म है। इसलिए वो प्राण त्याग देगा, परंतु अपने मित्र को धोखा नहीं देगा, और वही उसने किया। अधर्मी से मित्रता भी निभाई और अपने प्राण देकर धर्म की विजय का पथ भी प्रशस्त कर दिया। हां पार्थ,
तुमने कर्ण के अंतर में झांक कर नहीं देखा। कर्ण की आत्मा एक महान आत्मा थी पार्थ। ऐसे लोग युगों युगों में कभी कभार ही पैदा होते हैं। लोग कर्ण को दानवीर यूं ही नहीं कहते। जाते जाते भी उसने अपना दान धर्म निभाया। पांडवों अर्थात धर्म के हित में उसने अपने प्राण दान कर दिए। पार्थ, यदि कभी तुम्हें कर्ण के जीवन के पूर्ण सत्य का पता चलेगा तो तुम स्वयं धरती पर सिर रखकर उसे प्रणाम करोगे।